वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। भारत अपने पड़ोसी मुल्कों को लेकर काफी संवेदनशील रहता है। उनकी मदद के लिए भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इसमें एक देश श्रीलंका भी है। लेकिन अगर श्रीलंका को यह लगता है कि वो एक तरफ चीन से मदद लेगा, चीन के जाल में फंसते हुए वो भारत से मदद ले लेगा, तो इस गलतफहमी में चीन को और साथ ही साथ श्रीलंका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक संदेश भारत ने दे दिया। दरअसल श्रीलंका में तमिल भाषियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है और जिस तरीके से उनके साथ पेश आया जा रहा है, उसे लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र से एक स्पष्ट संदेश दे दिया। बेहद तल्ख अंदाज में और कड़े अंदाज में भारत ने यह चेता दिया कि श्रीलंका जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। कर्ज में गले तक डूबे हुए श्रीलंका को बुरे वक्त में भारत की याद आई। भारत ने भी पड़ोसी मुल्क होने के नाते अपना फर्ज निभाया, लेकिन तमिल भाषीय लोगों के प्रति श्रीलंकाई सरकार के रुख पर अब भारत ने सख्त लहजा अपना लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के सत्र में भारत ने तमिल अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों के मुद्दे पर श्रीलंका को खरी सुनाई। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 51वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा, भारत ने हमेशा मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए राष्ट्रों की जिम्मेदारी में विश्वास किया है और रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को आत्मसात किया है। भारत ने कहा कि श्रीलंका ने तमिल मुद्दे के समाधान पर कोई प्रगति नहीं की, जो चिंता का विषय है। भारत ने श्रीलंका की सरकार द्वारा तमिल अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों के हनन पर सुस्त रवैया अपनाने की आलोचना की। भारत ने कहा कि पड़ोसी राष्ट्र में शांति और सुलह बेहद जरूरी है। इसके लिए देश में एक राजनीतिक समाधान और संस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है, ताकि वहां रह रहे लोगों के लिए न्याय, शांति, समानता और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। आंकड़ों पर जाएं तो श्रीलंका में कुल आबादी का करीब 18% हिस्सा तमिल लोगों का है। इसमें भी ज्यादातर भारतीय मूल के हैं। पिछले कुछ महीनों से पहले गृह युद्ध और अब भीषण आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में तमिल भाषी लोग खुद को अलग थलग समझ रहे हैं। श्रीलंकाई सरकार द्वारा कोई राहत नहीं दिए जाने को लेकर भी तमिल भाषी लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत ने श्रीलंका की कड़ी आलोचना ऐसे वक्त पर की जब भारत श्रीलंका से नाराज चल रहा है, खासतौर पर जिस तरीके से हाल ही में भारत ने अपनी तरफ से चीन की एक स्पाई शिप को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर लैंड कराने को लेकर आपत्ति जाहिर की थी और जिस पर श्रीलंका ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसे लेकर भारत काफी नाराज नजर आ रहा था। जिसके बाद ये लगा कि भारत अब बहुत सख्त हो जाएगा श्रीलंका को लेकर। है श्रीलंका को लेकर भारत ने अपनी तरफ से नाराजगी जाहिर की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को समय समय पर भारत ने मदद तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ ये अपेक्षा भी रखी कि श्रीलंका अपने पड़ोसी मुल्क होने का फर्ज जरूर निभाएगा। हालांकि चीन के साथ उसके बदलते रवैये ने श्रीलंका की पोल भी खोल दी। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।